इस मंदिर में मैं काम करता था। अंगूठे का निशान जो ब्रिजेश ने पट्टे पर लगवाया था उसके आगे कुछ पता चला? हाँ सर, ये देखिए। ये तो अलग अलग उंगलियों के निशान जो मनोहर के कई चीजों पर पाई गई, जो भोला ने संभाल के रखा। एक निशान मनोहर का है और दूसरा भोला का। इनमें और पट्टे में जो निशान है परफेक्ट मैचेस। इसका मतलब यह है कि पट्टे पर जो निशान है वो सच में मनोहर का है। इसका मतलब है कि कहीं कुछ छूट रहा है। कुछ भी नहीं छूट रहा है राउते, निशान मैच कर रहे हैं। इसका मतलब वो सही है। अगर वो जमीन उसके लिए इतनी अहम थी तो उसके बेटे ब्रिजेश ने वो पट्टा जाके लखन को क्यों दिया? वो खुद क्यों नहीं गया? अगर दिया तो दिया, जब ब्रिजेश वो पट्टा लखन को दे रहा था तो मनोहर उस वक्त वहां मौजूद क्यों नहीं था? तो इसका मतलब शक की सुई ब्रिजेश की तरफ ही जा रही है। मनोहर की मौत अगर दुर्घटना नहीं कत्ल है तो इसमें जरूर लाखन का कहीं ना कहीं हाथ है। ठीक है, मैं आशा और छोटू लाखन के घर दोबारा जाते हैं और फैक्ट्स को दोबारा चेक करते हैं। रहते हो श्री, तुम दोनों ब्रिजेश को ढूंढ के निकालो। रुकिए, आगे मत बढ़िए, रुकिए। साहब, अरे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे साहब। लखन राव, माफ कर दीजिए साहब। एक औरत की इज्जत पे हाथ डालने के जुर्म पे जेल तो तुझे होगी, लेकिन बेहतर होगा तू अपना गुनाह खुद कबूल कर ले। मनोहर के बेटे ब्रिजेश के साथ मिलके तू कौन सी खिचड़ी पका रहा है? और मनोहर के अंगूठे के निशान की कहानी क्या है? साहब, ब्रिजेश तो अपने बाप के अंगूठे का निशान पट्टे पर लेकर के आया था, उसके लिए मुझे मनोहर लाल को मारने की क्या जरूरत है साहब? तू ऐसे नहीं बताएगा, हमारे पास और भी ऐसे तरीके हैं जिसके बाद इंसान खुद ब खुद सब कुछ बोलना शुरू कर देता है। दिखाता हूँ तुझे, चल। माफ कर दीजिए साहब, माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई साहब, अब ऐसा नहीं होगा साहब, बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए साहब, अब ऐसा कभी नहीं होगा, माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई साहब। तेरे जुर्म का घड़ा भर चुका है लखन राव, चल। बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए साहब, अब ऐसा कभी नहीं होगा साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए साहब। शाबाश। 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 यहाँ का कानून मैं बनाता हूं और जेल जाने का मुझे कतई कोई शौक नहीं है। सारा मामला तो पैसे से फिट हो जाता है, लेकिन तुम लोग शायद पैसा नहीं कुछ और खाना खाना पसंद करते हो ना, तो ठीक है, मैं तुम लोगों की पसंद का खेल खेलूंगा। और तुम्हारे लिए तो मैंने कोई दूसरा ही खेल सोचा। मुझे भी पसंद है। मारो सबको। Thank you.
एक औरत की मर्यादा भंग करने की कोशिश। पुलिस के काम में दखल, एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हमला। चार्जेस और भी हैं, जो मैं तुझे लॉकअप में जाके गिनाऊंगा। बात कर दो साहब, अब नहीं करोगे? मनोहर की मौत वाले दिन ब्रिजेश ने एक मोटी रकम 1.5 लाख रुपए यहाँ जमा की थी। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि उसे किसी सौदे में मुनाफा हुआ था। ये ब्रिजेश ने अपनी आखिरी ट्रांजैक्शन कब और कहाँ से की थी? यहाँ से पैसे उसने सहार लातूर के ब्रांच में ट्रांसफर करवा लिया था। लाखन के अगेंस्ट जो चार्जशीट बनाई है उसमें आप लोगों से जबरदस्ती मजदूरी करवाने के चार्जेस भी लगाए हैं उसके ऊपर। अब आप में से किसी को भी उसकी मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका उपकार ऐसा उतरूंगा। चलते हैं। सर आप चलिए, मैं जरा आता हूं। तो मेरा बेटा नहीं है शायद, मैं ही पागल हूं। पर क्या करूं, तुझे देख के ऐसा लगता है कि मैं अपने बेटे से मिल रही हूं। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के वास्ते ये मिठाई बनाकर लेकर आई हूं। तो मेरी बात मान भी मत, लेकिन लेकिन इसे ले ले बेटा, मुझे बहुत खुशी होगी। लूंगा ना, क्यों नहीं लूंगा, अभी तो मेरी आई की तरह हो ना। चुप चुप जियो बेटा। ये तो नहीं, मैं हमेशा से ही गांव छोड़कर शहर में बसना चाहता था, लेकिन बाबा मेरी बात सुनकर हमेशा नाराज होते थे। वो चाहते थे कि मैं उनकी तरह मंदिर में पुरोहित बनूं। जब बात बहुत ज्यादा ही बढ़ गई तो उन्होंने मेरी कॉलेज की फीस देने से भी इनकार कर दिया। उसी वक्त मेरी लाखन से मुलाकात हुई, उसी ने मुझे वादा किया था कि वो जमीन के अच्छे पैसे देगा मुझे अगर मैं बाबा को राजी कर लूं तो। लेकिन मैंने बहुत कुछ सोचा, जब मुझे कुछ सूझा नहीं तो मैंने बाबा के अंगूठे के निशान चुपके से लेकर जमीन का जो पट्टा है वो मैंने लाखन को दे दी। मैं मानता हूं मैंने जो भी कुछ किया वो गलत था, लेकिन मेरे पास अपनी चुनी हुई जिंदगी के जीने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैं जानता था कि बाबा मुझसे बहुत नाराज होंगे, इसलिए अकाउंट में पैसे डलवाने के बाद मैं हमेशा के लिए गांव को छोड़कर भाग गया। और उसके बाद तुमने अपने बाबा से कभी बात नहीं की? सिर्फ एक बार बात हुई थी उनसे, उसी शाम को उन्होंने मुझे फोन किया था और जो मैंने किया मैंने उनके सामने कबूला भी था, उनके सामने हाथ जोड़कर मैंने माफी भी मांगी थी, लेकिन लेकिन उन्होंने मुझे माफ नहीं किया और उन्होंने मुझे यह भी कहा कि जिंदगी में दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखा। फिर उसके बाद मुझे खबर मिली कि बाबा की बहुत हो चुकी। मैं हड़बड़ाहट के मारे जब गांव में पहुंचा तो मैंने देखा कि भोला उनका क्रियाक्रम भी कर चुका था। आखिरी बार अपने बेटे होने का फर्ज भी नहीं अदा कर सके। अब जाके वो पुरोहित जी की आत्मा को शांति मिलेगी। लाखन अब जेल जा चुका है, अब मैं और मेरी बेटी उसके चंगुल से आजाद हैं।
एक मुजरिम तो जेल जा चुका है लेकिन एक अभी भी खुला घूमता है, वो जिसने पुरोहित जी या मनोहर को जान से मारा। अभी तक हमें सिर्फ मनोहर के बेटे ब्रजेश पे शक था क्योंकि सारे सुराग उसी के खिलाफ इशारा कर रहे थे, लेकिन जब मनोहर का खून हुआ उस वक्त ब्रजेश यहाँ था ही नहीं। और जैसा तुमने हमें बताया था कि तुम और कुछ और गांव वाले मनोहर जी से मिलने कुछ शाम के 7 या 7:15 बजे गए थे और उस वक्त तक वो जिंदा थे, और ब्रजेश के दोस्तों ने हमें यह बताया कि ब्रजेश 7 और 7:15 के बीच लातूर पहुंच चुका था। लातूर यहाँ से कुछ 4 घंटे का सफर, यानी अगर ब्रजेश को लातूर पहुंचना था तो वो 3 और 4 के बीच में निकला होगा। इसका मतलब खून ब्रजेश ने नहीं किया तो फिर लाखन होगा। लाखन के पास मनोहर को मारने का कोई कारण नहीं था। उस पट्टे पे मनोहर के अंगूठे के निशान सच्चे थे, असली थे वो। तो और कौन हो सकता है? इस बात को समझने के लिए हमने इस केस पे एक और नए नजरिए से देखा। इससे पहले हम सिर्फ उन्हीं लोगों पे नजर रख रहे थे जिनको इस मंदिर के बिकने से फायदा हो, लेकिन अब ऐसे और भी कई लोग हैं जिनके लिए मंदिर उनकी जिंदगी थी। मनोहर और दूसरा तुम बोला, मनोहर को पट्टे के हिसाब से कुछ ना कुछ मुआवजा तो जरूर मिल जाता, लेकिन तुम्हें हमारी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बोला आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अपने बापू समान पुरोहित जी के साथ। मनोहर की मौत इस गांव के लिए बहुत बड़ी घटना थी जिसे आज तक कोई गांव वाला नहीं भूल पाया, आपकी बेटी भी नहीं। तो जब हमने उससे पूछा कि क्या देर रात उसका बाप यानी तुम एक बार गए, तो उसने हमें सिर्फ इतना बताया कि रात 9 से 10 के बीच आप घर पे नहीं थे। कहाँ गए थे आप? वो मैं दोस्तों के साथ ठेके के पर कापल दारू पीने गया था ना। उस दिन आषाढ़ी एकादशी चल रहा था, पूरे महाराष्ट्र में ड्राई डे था, इसका मतलब कहीं दारू नहीं मिल रहा था। तो आप शराब पीने कहाँ गए थे? ठीका है विसर लो, वो शायद कहीं और गया होगा। आपकी बेटी को भी ठीक से याद नहीं था, आपने उससे भी झूठ बोला था। हमारे घर से मंदिर जाने में 25 मिनट लगते, यानी 25 मिनट आना 25 मिनट जाना और 5 से 10 मिनट लगे होंगे तुम्हें मनोहर का खून करने में। तो 1 घंटा तो काफी था तुम्हारे लिए। उस कुएं के मुंडेर को देख के साफ ऐसा लगता है कि जब तक किसी को धक्का ना दिया जाए कोई अपने आप फिसल के उस कुएं में नहीं गिर सकता। इस घटना के टाइमिंग देख के ऐसा लगता है भोला कि जिस किसी ने भी मनोहर को मारा है वो या तो इत्तफाक से उस जगह पहुंच गया जिस जगह मनोहर अपने नहाने का पानी ले रहा था, या वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि उस रात मनोहर वहां आने वाला है। बोला तुमने कहा था कि मनोहर तुम्हें अपना बेटा बुलाता था। इस मंदिर में खड़े होके अगर तुम इस भगवान की इज्जत नहीं कर सकते हो तो कम से कम उस आदमी की तो इज्जत करो जिसने तुम्हें बेटा कहा था। हाँ, वो मुझे बेटा मानते थे और ये बेटा उन्हें अपने सके बेटे से भी ज्यादा प्यार करता था, ज्यादा इज्जत देता था। इसके सिवा मेरी जिंदगी में और था ही क्या? लेकिन उन्होंने उसके बदले मुझे क्या दिया? झूठ, झूठ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। मनोहर ने इस जमीन के कागजात पर अपना अंगूठा लगा दिया है, से ये जमीन मेरी हुई। इसके लिए मैंने मनोहर और उसके बेटे को एक मोटी रकम अदा की है। पुरोहित जी द्वार खोलिए ना। अरे भारत के बताइए ना ये क्या हो रहा है। चले जाओ बोला, जाओ, हमें अकेला रहने दो। हम किसी से कोई बात नहीं करना चाहते। उस रात मुझे समझ में आया कि प्यार और श्रद्धा ये कुछ नहीं, मुझे लगा कि उन्होंने मुझे धोखा दिया है। क्यों ऐसे लालची इंसान पर मैं भरोसा कर बैठा जिन्होंने मेरे प्यार, मेरा भरोसा, मेरी श्रद्धा सब कुछ बेच दिया। मैंने उसे निश्चय कर दिया कि मैं उन्हें भी जीने नहीं दूंगा। बाबा कहाँ जा रहे? अरे दोस्तों के साथ पास के ठेके पर दारू पीने। मुझे उनकी दिनचर्या पता थी। रोज रात को 10 बजे वो कुएं के पानी से नहाते थे। भूला बचा, भूला भूला
बचा भूला, बचा भूला, भूला, भूला बचा भूला, भूला। मैं जानता था उससे तैरना नहीं आता है। फिर कोई उनकी आवाज ना सुने, फिर गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए मैंने पत्थर उठाया। भूला बचा भूला, भूला, बचा भूला, बचा भूला। उस पत्थर से उनका सर फोड़ दिया। मैंने उनका अंतिम संस्कार करके सारे सबूत मिटा दिए। यही सस्ता, यही इंसाफ है मेरा। कत्ल को इंसाफ का नाम देके बचने की कोशिश मत करो भोला। मनोहर को पहला धोखा उसके खुद के बेटे ब्रजेश ने दिया था, उस पट्टे पे धोखे से उसके अंगूठों के निशान लेकर। और जब तक बात मनोहर को पता चलती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुमने तो हद कर दी भोला, जान से मार डाला उसे। नहीं, ये सच नहीं है। काश तुमने मनोहर पे भरोसा किया होता भोला, तो आज शायद तुम्हारी जिंदगी इससे कहीं ज्यादा बेहतर होती। जिस इंसान ने तुम्हें मान सम्मान दिया, प्यार दिया, भरोसा किया, तुमने क्या किया? उस इंसान का भरोसा तोड़ दिया। वंश के माँ बाप का एक साल पहले डिवोर्स हो गया। वंश के पापा एक ट्रैवल जर्नलिस्ट है, तो दूर दूर जगहों पे जाके वो रिपोर्ट्स कलेक्ट करते। वो चोपड़ी गांव पे भी गया था। मैं जब भी वंश से मिलने जाता तो उसे अपने काम के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनाता और फोटोज भी दिखाता, और वंश उन कहानियों को अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन से देखना शुरू कर देता था, उन्हें अपना बना लेता और बहुत इंजॉय करता। तो आपने चोपड़ी विलेज की कुछ तस्वीरें दिखाई थी वंश को, और आपने मनोहर लाल के बारे में उसे क्या बताया था? फोटोज में उसे बहुत इंटरेस्ट था, और मनोहर के बारे में मैंने इतना ही बताया था कि वो गांव के कृष्ण मंदिर का पुजारी था जो कि रहस्यमय तरीके से कुएं में डूब के मर गया। अगर मुझे जरा भी पता होता कि इस बात का उसके दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ेगा तो मैं उसे ये बात कभी नहीं बताता। इस उम्र में बच्चे रहस्यमय बातों से काफी प्रभावित होते, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती वो सच्चाई और कल्पना का फर्क अच्छी तरह समझ जाते। और अगर दूसरी तरह से सोचा जाए तो वंश ने एक ऐसे शख्स को इंसाफ दिलवाया जिसकी मदद हम शायद कभी नहीं कर पाते। मैंने आपकी हेल्प की। हाँ बेटा, थैंक यू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।